फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहल साधु एंड यू आर वॉचिंग माई यूनिक टॉक सो डीएनएस टॉक ऑन इंस्टाग्राम लाइव। फ्रेंड्स, 28 जुलाई वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे। जब सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया हिपेटाइटिस डे मना रहा हो और कोरोना भी चल रहा हो, जैसे कि कोरोना में हम सब जानते हैं कि जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको ज्यादा तकलीफ होती है, या तो वो केस क्रिटिकल कहा जाता है, तो लीवर के जो केसेस होते हैं वो खास तौर पे कम इम्यूनिटी वाले होते हैं, जिनको हिपेटाइटिस की हिस्ट्री हो, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट कराया हुआ हो, या जो सिरोसिस ऑफ लीवर हो, ये सब केसेस जो होते हैं वो लो इम्यूनिटी वाले होते हैं। और ऐसे केसेस को किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, इनको क्या क्या तकेदारी रखनी चाहिए, खास करके कोरोना के समय पे, और ये हिपेटाइटिस क्या है, पूरी दुनिया जब इसका डे मना रहा है, क्यों हिपेटाइटिस क्या है, क्या रेशियो है पूरे वर्ल्ड में इनके पेशेंट के, अगर ये कोई इसके एक्सपर्ट के थ्रू बोला जाए या एक्सपर्ट के द्वारा हमको बताया जाए तो ये गीता वाक्य लगेगा। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुलुंड मुंबई फोर्टिस हॉस्पिटल के चीफ लीवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटोबिलियरी सर्जन डॉक्टर गौरव गुप्ता, जिन्होंने एमएस और एमबीबीएस दिल्ली से किया है, फिर लीवर ट्रांसप्लांट की स्पेशल ट्रेनिंग यूएसए से ली और फिर चीफ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन के तौर से फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड मुंबई में वो है। गुप्ता जी, आपका मैं स्वागत करता हूं डीएनएस टॉक यूनिक टॉक शो में। थैंक यू डॉक्टर नेहल, थैंक्स अ लॉट इतने काइंड वर्ड्स के लिए, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अपने इस शो में इनवाइट किया। एंड एज आपने जैसे बोला, टुडे इज ए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, तो एक्चुअली फॉर ए लीवर सर्जन और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे शो, मतलब ये एकदम सोने पे सुहागा वाली बात है। थैंक यू वेरी मच तो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। And credit goes to Jay because he arranged the program, and he's a kind person. And also thanks to Fortis Mumbai कि आज DNS Talk और Fortis Mumbai का collaboration हुआ और हम लोग ये कर पा रहे हैं। Yes. सब liver transplant के तो आप surgeon हैं, लेकिन hepatitis day है, वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे, आज के दिन 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? सो अगर तो डॉक्टर, इसके पीछे एक्चुअली तो कोई देयर इज नो एनी बिग रीजन। सो जैसे हम लोग मदर्स डे, फादर्स डे बनाते हैं, तो ऐसे ही आई थिंक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। बट जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे, कि हम लोग हेपेटाइटिस को लेके जो हमारी काफी सारी गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शन हैं, वो आई थिंक एक क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो जस्ट सिंपल सी चीज के लिए कि हेपेटाइटिस, मतलब समझने के लिए सबसे पहले कि हेपेटाइटिस क्या चीज है। सो हेपेटाइटिस, करेक्ट, तो उसका सिंपल सा देखें तो हेपेटाइटिस की मतलब डेफिनेशन, उसके हेपेटाइटिस में ही उसकी डेफिनेशन है। सो हेपेटाइटिस मीन्स लिवर, हेपेट मीन्स लिवर, itis as you know is any sujan or inflammation. So hepatic or liver jo parenchyma hota hai, jo liver cells hote hain, uski sujan kisi bhi karanvarsh ho to usko hum hepatitis bolte hain. Now most commonly hum log viral hepatitis sochte hain, but hepatitis kai tarah ki ho sakte hain. It is not only viral hepatitis. Khas karke iske causes kya kya hai, हेपेटाइटिस किन-किन चीजों से होता है? यस, सो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सो वो जैसे मैं आपको बता रहा था कि हेपेटाइटिस मींस जस्ट लीवर का सूजन। लीवर की सूजन किसी भी वजह से हो सकती है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन कॉज है व्हिच इज वायरल हेपेटाइटिस। सो वायरल हेपेटाइटिस एज ऑल ऑफ अस नो कि मोटा मोटा 5 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई। सो ये तो हो गया एक वायरल हेपेटाइटिस। इसको छोड़ के और जो हो सकता है हेपेटाइटिस, वो हो सकता है किसी भी ड्रग से। सो ट्यूबरकुलर्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आइसोनियाज़िड, रिफैम्पेसिन, ये कॉमन
कॉमन ड्रग्स हैं जिसकी वजह से लीवर में सूजन हो सकती है. सेकंड, थर्ड मोर कॉमन इज व्हाट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस मींस सेम थिंग कि जब हमारी जो रोग प्रतिरोध शक्ति है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, इफ इट अटैक्स अवर ओन लिवर, सो इट कॉजेस लिवर में अगेन इन्फ्लामेशन और सूजन, विच ऑल्सो मीन्स ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस. एंड द फोर्थ लास्ट कॉमन इज अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. सो आई डोंट नो अहमदाबाद में तो कितना होता है, बट बॉम्बे और महाराष्ट्र में जहाँ पे इट इज वेरी कॉमन कि अल्कोहल या ड्रिंक करने से जब लीवर में सूजन आती है तो दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. सो दीज आर द मोर फोर मेजर कॉज ऑफ हेपेटाइटिस. यस सर, हाउ हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड? करेक्ट. सो अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें तो जैसे जो कॉमन लैंग्वेज में हमारा को हेपेटाइटिस, वो मोस्ट कॉमनली इज वायरल हेपेटाइटिस. यस. सो वायरल हेपेटाइटिस की बात करें कि हाउ इट इज ट्रांसमिटेड. सो वायरल हेपेटाइटिस में मेनली जैसे हमने बताया पांच तरह के होते हैं. पांच में से भी मेनली चार हैं जो मोस्ट कॉमनली होते हैं, विच इज ए बी सी एंड ई. सो इनमें से जो दो हैं हेपेटाइटिस ए और ई, सो दे गेट ट्रांसमिटेड व्हाट वी कॉल्ड इन मेडिकल लैंग्वेज इज फीको ओरल रूट. सो फीको ओरल रूट मींस बेसिकली आप कई गंदा पानी पीते हैं, कोई सड़क का खाना खाते हैं जो कि इन्फेक्टेड है, तो एक इन्फेक्टेड फूड या इन्फेक्टेड पानी से हेपेटाइटिस ए और ई फैलता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दिस सीजन जो कि अभी मानसून सीजन है, इसके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई का इंसिडेंस बढ़ जाता है. अदर इज बी एन सी. सो बी एन सी जनरली ट्रांसमिट्स थ्रू ब्लड. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर मदर बेबी को देती है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है. सो दिस इज मोर कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन. यस यस यस. हेपेटाइटिस. सर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस, ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम हेपेटाइटिस? करेक्ट. सो अगर ट्रीटमेंट अगेन इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो आई विल टेल यू कि ट्रीटमेंट में भी जो कॉमन वायरल हेपेटाइटिस है विच इज ए एंड ई, एक्चुअली इसका यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट. सो दिस इज ए सेल्फ सस्टेनिंग और सेल्फ क्योरिंग डिजीज इन 90-95% ऑफ द पेशेंट्स. सो हमको जो चाहिए होता है सिर्फ what you need is called basically अगर फीवर है तो क्रोसिन. या इट्स अ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, रेस्ट ग्लूकोज हम फिजिशियन जो करते हैं वो. यस, यू डोंट नीड एनीथिंग, यू डोंट, देयर इज नो ड्रग्स, नथिंग टू बी डन. हां, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए डेफिनेटली इफ इट बिकम्स ए क्रॉनिक हेपेटाइटिस देन यू नीड ए मेडिकेशन एंड वेरी गुड टैबलेट्स आर अवेलेबल. पहले हेपेटाइटिस सी का देयर वाज नॉट गुड ट्रीटमेंट, बट अभी हेपेटाइटिस सी का इज वेरी गुड, टैबलेट्स आर अवेलेबल एंड ऑलमोस्ट 90-99% ऑफ पेशेंट्स ऑफ हेपेटाइटिस सी गेट्स क्योर्ड बाय जस्ट टेकिंग टैबलेट्स. सो इट्स अ वेरी गुड मेडिकेशन नाउ अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस. यस यस. जो लोग जुड़ चुके हैं हमारे शो के अंदर, सबका मैं स्वागत करता हूँ. आप देख रहे हैं डीएनएस टॉक लाइव. आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और डॉक्टर गौरव गुप्ता द लीडिंग लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ मुंबई एंड ही इज अ चीफ लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन ऑफ फोर्टिस मुलुन मुंबई आज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं. सब प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस कैसे किया जाता है? सो अगेन इसका आंसर भी हमने जो कि कैसे ट्रांसमिशन होता है, आई थिंक दैट इज सो हेपेटाइटिस ए और ई इट्स अगेन वेरी इजीली प्रिवेंटेबल. वी शुड नॉट ईट जो अपना इन्फेक्टेड फूड वाटर, स्पेशली मानसून सीजन में तो वी शुड बी केयरफुल कि पानी है तो पानी हम ठीक जगह से पी रहे हैं, रोड साइड पानी नहीं पी रहे, रोड साइड खाना नहीं खा रहे. और जो सबसे अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इन दोनों के लिए वेरी गुड वैक्सीन्स अवेलेबल हैं. Yes, तो अभी तो हेपेटाइटिस ए और बी दोनों के दोनों हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन उसमें नहीं होता था, बट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स है जो आईएपी, उन्होंने हेपेटाइटिस बी को भी इंक्लूड किया है. तो ए और बी का वैक्सीन हर किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको लगता है,
So it's very easily preventable. Hepatitis B. And hepatitis E, again, there is no vaccine, but it is easily preventable. अगर हम लोग ध्यान रखें कि हम कहां से खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं. Yes. खास करके हेपेटाइटिस लीड्स टू लीवर फेलियर. किन किन दर्दी को या कौन से पेशेंट को लीवर फेलियर होता है? करेक्ट सर. सो अगर मैं बात करता हूँ दो तरह की बात करता हूँ, वायरल और नॉन वायरल. वायरल के अंदर जो ए और ई होता है, एज यू नो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अपने आप ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई भी आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती. दिस हैपेंस 100 में से 95-98 पेशेंट्स को अपने आप ठीक हो जाता है. ठीक हो जाता है, यस यस करेक्ट. सिर्फ 2-3% पेशेंट या फिर उससे भी कम पेशेंट, आई थिंक आई वुड से ऑलमोस्ट 1-2% पेशेंट होते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए और ई ठीक होने की जगह लीवर को डैमेज करता जाता है. लीवर के अंदर सूजन बढ़ती जाती है, लीवर के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस चालू होता है, एंड बहुत कम पेशेंट्स में इट कैन लीड टू लीवर फेलियर. सो लीवर फेलियर का जो साइन होगा वो होगा कि पेशेंट का जॉन्डिस बढ़ रहा है, बिलिरुबिन बढ़ता जा रहा है. सेकेंड साइन जो होगा कि बिलिरुबिन के साथ जो एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो मैं आई टेल ऑल इवन जीपीस टू डू, इज INR. INR इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू नो अबाउट द लीवर फेलियर. सो मोस्टली जीपीस विल डू LFT सब करेंगे, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन. कुछ PT-INR नहीं कर पाते हैं. हाँ, PT-INR इज वेरी इंपॉर्टेंट. द रीजन इज कि यही एक टेस्ट है जो कि आपको बताएगा कि ये हेपेटाइटिस लीवर फेलियर में तो तब्दील नहीं हो रहा, और अगर आपका INR बढ़ रहा है तो वो पेशेंट को खतरा है, उस पेशेंट को डेंजर है, तो उस पेशेंट को आपको स्पेशल केयर करनी जरूरी है. सो ये हो गया हमारा हेपेटाइटिस ए और बी का. अगर हम बात करते हैं बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी, ये मोस्टली व्हाट जो हम बोलते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज में तब्दील हो सकता है. क्रॉनिक लीवर डिजीज का मतलब है सिरोसिस, या फिर जो धीरे 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 लीवर को डैमेज करता है और लीवर सिरोसिस में तब्दील हो सकता है. नो, ये लीवर सिरोसिस डेफिनेटली कैन लीड टू लीवर फेलियर. सो दोनों का मैकेनिज्म और दोनों का डिफरेंट है, एक्यूट और क्रॉनिक लीवर फेलियर. एक्यूट लीवर फेलियर में जो लीवर फेलियर होता है वो बहुत कम होता है और सडन होता है. क्रॉनिक लीवर डिजीज में, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में लीवर फेलियर धीरे धीरे कई साल, 5-7 साल, 7 साल, 10 साल में धीरे 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 होता है. सही बात है. जो लीवर फेलियर के पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है? सो जैसे आपको बताया कि दो तरह का लीवर फेलियर है हमारा, एक एक्यूट लीवर फेलियर और एक क्रॉनिक लीवर फेलियर. जो एक्यूट लीवर फेलियर है उसके अंदर हमारा लीवर जल्दी से खराब होता है. कि एक मरीज था जो बिल्कुल ठीक ठाक था, 4 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ही उसका धीरे धीरे जॉन्डिस बढ़ते बढ़ते 15-16-18 बिलिरुबिन हो गया, INR बढ़ता चला गया और पेशेंट का लीवर फेलियर में चला गया. सो ये है एक्यूट लीवर फेलियर. सो एक्यूट लीवर फेलियर का जो ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट को छोड़ के कुछ नहीं है. सो एक्यूट लीवर फेलियर में अगर एक बार पेशेंट एक्यूट लीवर फेलियर में चला जाता है तो उसका बचने के चांसेस विदाउट ट्रांसप्लांट इज लेस देन 10%. तो 10% से भी कम चांसेस हैं विदाउट ट्रांसप्लांट उसके बचने के. सो ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट, और ट्रांसप्लांट भी ऐसे मरीज को एकदम अर्जेंट में या फिर एकदम इमरजेंसी में करना पड़ता है. इन लोगों का ट्रांसप्लांट नेक्स्ट 2-3 दिन में अगर नहीं होता है तो ऐसे मरीज को बचाना कभी तकलीफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. सो ये पेशेंट एकदम डेंजरस होते हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी हेपेटाइटिस का पेशेंट होता है, वायरल हेपेटाइटिस का, तो अपने को PT-INR टेस्ट करना होता है. INR से अगर थोड़ा भी बढ़ा है तो अपने को पता है कि ये पेशेंट डेंजरस हो सकता है फ्यूचर में. सो ये हो गया एक्यूट लीवर फेलियर. अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक लीवर फेलियर की, सो क्रॉनिक लीवर फेलियर इज सिरोसिस. तो सिरोसिस का ट्रीटमेंट
हर किसी सिरोसिस के पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती। यस, अगर सिरोसिस अर्ली स्टेज में है तो हम उसको दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं, अगर सिरोसिस की एंड स्टेज है या लास्ट स्टेज है तो ऐसे मरीज को ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, और उसमें थोड़ा टाइम भी मिल जाता है उनको मैनेज करने का, क्योंकि इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। करेक्ट सर, सो जैसे एनी क्रॉनिक डिजीज, तो इट गिव्स अस टाइम, तो पेशेंट को, फैमिली को, डोनर के लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए अपने को टाइम मिलता है, और काफी काफी मरीज सिरोटिक के अपने दवाइयों से भी मैनेज होते हैं कि डाइट से सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, एक्सरसाइज है, उससे भी हम लोग काफी टाइम तक लीवर को ठीक रख सकते हैं। सिर्फ कुछ केसेस में जहाँ पे लीवर प्रोग्रेस होता है तो अपने को ट्रांसप्लांट के लिए हम उनको बोलते हैं। मैं फिर से सबको वेलकम करता हूँ आज डीएनएस टॉक और फोर्टीज मुंबई मुलुंद हॉस्पिटल के बीच में लाइव सेशन है, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, ही इज अ चीफ लीवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटोबिलियरी सर्जन ऑफ फोर्टीज मुलुंद मुंबई। और मैं साहब से अब जानना चाहूंगा कि लीवर ट्रांसप्लांट जो क्रॉनिक केसेस होते हैं उसमें कितना रिस्की है और कितना सेफ है। करेक्ट, सो बहुत अगेन मैं आपको इस बात में सीरियसली बधाई देना चाहूंगा कि आप एकदम वेरी गुड क्वेश्चंस यू आर आस्किंग की फॉर पब्लिक अवेयरनेस के लिए। सी, लिवर ट्रांसप्लांट एक्चुअली जो सर्जरी है, आप पूछेंगे तो पिछले 10-15 साल में ये इसका पूरा नक्शा ही चेंज हो गया है। ये बहुत मतलब इवन अहमदाबाद में भी आप देखेंगे कि अहमदाबाद में इज वेरी गुड वर्क इज गोइंग ऑन। एंड सो जहाँ पे ट्रांसप्लांट एक टाइम होता है, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इवन जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ट्रांसप्लांट की, तो मैं ऐसे केसेस में भी इन्वॉल्व हूँ जिसके अंदर हमने ट्रांसप्लांट के अंदर पेशेंट को 100 बोतल खून चढ़ाया है, 100 बोतल ट्रांसप्लांट के ड्यूरेशन में 8 घंटे के अंदर 100 बोतल ब्लड, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, टू द पॉइंट कि अभी ऑन एन एवरेज ट्रांसप्लांट में हम लोग 1 या 2 बोतल ब्लड से ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इट हैज चेंज्ड अ लॉट इन लास्ट 10-15 इयर्स, सो इसके रिजल्ट्स हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। नाउ अगर आपसे मुझसे पूछेंगे तो इसको कंसाइज में बोलूं तो ऑलमोस्ट इट इज अ सेफ प्रोसीजर एंड ऑलमोस्ट 95% इज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, 95-97% ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। काफी कुछ इसका सक्सेस का डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और किस टाइम पे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बट मोटा मोटा 95% इट इज सक्सेसफुल ऑपरेशन। उसकी टेक्निक पूरी क्या होती है साहब, ये थोड़ा हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि भाई ये कितना घंटा ऑपरेशन चलता है, डोनर कौन हो सकता है, कौन पेशेंट को दे सकता है लीवर का, कोई लीवर ऐसा है कि भाई डोनेशन उसके क्लोज रिलेटिव कर सकते हैं, तो या इसका कंपेटिबिलिटी क्या होती है। करेक्ट, सो बेसिकली देखिए ट्रांसप्लांट 2 तरह से हो सकता है एज यू नो, कोई भी ट्रांसप्लांट, वन इज कैडेवर ट्रांसप्लांट, वन इज लिविंग डोनर। नाउ कैडेवर में एज यू नो कि अगर किसी कोई ब्रेन डेड होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, स्ट्रोक होता है, ऐसे पेशेंट आईसीयू में जाते हैं और वो ब्रेन डेड हो जाते हैं, और अगर उनके रिलेटिव्स अंग दान करना चाहते हैं तो उनसे हार्ट लेके हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर लेके लीवर का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ये तो हो गया कैडेवर लीवर ट्रांसप्लांट। कैडेवर लीवर किसी से कभी किसी को मिल सकता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज। अगर हम लिविंग डोनर की बात करें तो लिविंग डोनर के अंदर जो रूल्स हैं हमारे एक एक्ट के अकॉर्डिंग, एक एक्ट का नाम है थोटा एक्ट, थोआ एक्ट, ये 1994 में पहली बार इसका पास हुआ था और 2009-11 में इसका चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिर्फ जो रिलेशन है वो सिर्फ नॉ रिलेशन है जो कि आपको डोनेट कर सकते हैं। ये नॉ रिलेशन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माना जाता है। इसके अंदर आता है जो पेशेंट है, पेशेंट के माता पिता, अगर बच्चा है तो उसके दादा दादी नाना नानी, पेशेंट के भाई बहन, सगे भाई बहन, पेशेंट का स्पाउस, हस्बैंड वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड,
पेशेंट के सगे बेटा बेटी और उसके ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, सिर्फ ये रिलेशन है जो कि आइडली डोनेट कर सकते हैं, पहली चीज। तो ये हो गया, डोनेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि जनरली जो एज है हमारा वो 18 साल से बड़ा, क्योंकि माइनर नहीं होना चाहिए, और मोटा मोटा 55 से 60 का डिफरेंट एज कट ऑफ है कि इतने एज के अंदर ही कोई डोनेट कर सकता है। ना जो लीवर में एक बड़ी खासियत है कि लीवर में अपना बॉडी रीजनरेट करता है या ग्रो करता है। सो हम लोग लीवर का 75% भी अगर निकाल लें, 75 आप सोचिए, 3/4 लीवर भी किसी का निकाल लें तो मरीज को कुछ नहीं होता डोनर को। और जो बचा हुआ लीवर है वो 6 हफ्ते के अंदर 90% तक ग्रो कर जाता है। और 2 महीने के अंदर जितना लीवर था उतना ही लीवर आपका ग्रो करके पहुंच जाएगा। तो जैसे That's आप किडनी, हाँ तो किडनी डोनेट करते हैं, किडनी डोनेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, और अब आई थिंक गुजरात इज नंबर 1 इन किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट है यहाँ पे, बहुत हॉस्पिटल कर रही है, क्योंकि अपना यहाँ पे है। I am one of the ethics committee member also. I am one of the physician in ethics committee of Selby Hospital, kidney transplant. तो क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट में जब कोई डोनेट करता है तो 2 में से 1 किडनी डोनेट करता है। नाउ एक किडनी ठीक है आदमी के लिए सफिशियंट है, लेकिन आप सोचो लाइफ लॉन्ग रहेगी तो उसकी एक ही किडनी। यस, लिवर डोनेट करते हो आप तो आपका लिवर टेम्परेरी रूप के लिए तो आधा रह गया, लेकिन 2 महीने में तो आपका लिवर वापस से ग्रो कर गया, पूरा हो जाता है, पूरा ग्रो कर जाता है सर। ओहो, तो आप जहां से चालू हुए थे वहीं पहुंच जाते हो। हाँ, तो एक्चुअली लिवर डोनेशन में लंबे समय में या लॉन्ग टाइम में डोनर को कोई भी रिस्क नहीं है। यस यस, इट इज अ सेफ सर्जरी। यस यस, दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज द गुड थिंग, दैट इज द वेरी गुड थिंग कि यस सर, हां इट ग्रोस बैक। हाँ, वो अच्छे थे। कोई कोई व्यूअर हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी आया कि व्हाट इज द सक्सेस रेट एट योर 40s हॉस्पिटल लिवर ट्रांसप्लांट। सो करेक्ट, सो हमारा जो सक्सेस है लास्ट, सो सक्सेस रेट हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। आई टेल यू, सक्सेस रेट होता है, एक इज 30-day सर्वाइवल, देन 1-year सर्वाइवल, एंड देन इज 10-year सर्वाइवल। सो दैट इज ए, ये एक साइंटिफिक वे है कोई भी सर्वाइवल बताने के लिए। सो 30-day सर्वाइवल का मतलब होता है कि भाई अगर 100 पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया तो 30 दिन के बाद कितने पेशेंट जिंदा हैं और 1 साल के बाद कितने जिंदा हैं। सो आई एम वी टच वुड, आई वुड से लकीली अवर 30-day सर्वाइवल इज 100%, सो नन ऑफ द पेशेंट हैज ए मॉर्टेलिटी इन 30 days। 1-year सर्वाइवल इज 96%, सो विच इज एज कम्पेयर टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड इज एनीवेयर अबाउ 88-90% इज कंसिडर्ड ए गुड सर्वाइवल। एट 40s वी हैव ए 96% एट 1 year। 10 years का डाटा भी मेरे पास नहीं है, 10 साल का डाटा नहीं है मेरे पास। 10 साल का डाटा होगा तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो 30 वर्ल्ड लेवल पे 10 years का डाटा कितना है? वर्ल्ड लेवल पे 10-year सर्वाइवल इज अराउंड 65-70%। सो गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊंगा मैं कि जो ये 10-year सर्वाइवल है इसके अंदर हमने जैसे बताया 65% सर्वाइवल है, तो इसका मतलब 35% नहीं रहे, 65 बचे। अभी ये जो 35% है जो मोर्टेलिटी है, ये मोर्टेलिटी चाहे किसी को एक्सीडेंट हो, किसी को सुसाइड हो, किसी को हार्ट अटैक हो, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया हम लोगों ने, सब इंक्लूड कर दिया। सही बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली लीवर की वजह से उनकी डेथ हुई है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रॉब्लम आती है वो पहले 1 साल में आती है। अगर आपका पहला साल ठीक निकल गया तो उसके बाद लीवर आपको तकलीफ नहीं देता। यस यस यस, और उसमें कोई दवाई इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है? या करेक्ट सर, तो आप एज यू मतलब आपको तो यू डोंट नो, बट आई एम फॉर गुड फॉर द पब्लिक की यस, ये है डेफिनेटली आपको इम्यूनोसप्रेसेंट लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है।
सॉरी सो इसके अंदर भी सबसे अच्छी बात क्यों है, क्योंकि मतलब देखिए ट्रांसप्लांट हार्ट का भी होता है, लिवर का भी होता है, किडनी का भी होता है, पैंक्रियास का भी होता है, लंग का भी होता है, हर ऑर्गन का अलग अलग सर्वाइवल है। मैंने बताया लीवर का इतना अच्छा क्यों है, सब में सबसे अच्छा लंबे समय में सर्वाइवल लीवर का है, उसका रीजन है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि लीवर पेशेंट्स को जो ये दवाइयां हैं इम्यूनोसप्रेशन, इसकी जरूरत सबसे कम होती है। ओहो हाँ जी, तो अगर कोई लंग का ट्रांसप्लांट पेशेंट है, लंग ट्रांसप्लांट में ये जरूरत बहुत ज्यादा होती है, किडनी में भी ज्यादा होती है, लीवर में सबसे कम होती है। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं किसी ट्रांसप्लांट पेशेंट को, जो लंबे समय की प्रॉब्लम्स हैं, वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स का कारण ये दवाइयां हैं, ना कि ट्रांसप्लांट। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, इन दवाइयों से डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो लीवर पेशेंट में ये दवाइयों का डोज सबसे कम चाहिए होता है, इसलिए लीवर पेशेंट का लंबे समय में सर्वाइवल सबसे बेटर है। यस यस यस। लंग के पेशेंट को सबसे ज्यादा दवाई चाहिए होती है, लंग के मरीज का सबसे तकलीफ आए है। फिर उसके बाद हार्ट आता है, फिर पैंक्रियाज आता है, फिर किडनी आता है, फिर लिवर आता है। हाँ, तो लिवर के पेशेंट को लॉन्ग टर्म दवाइयां कम लेनी पड़ती है। ये सही में ये जो मैसेज है, ये सही में आज वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे के दिन पे देना चाहिए, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट आज भी किडनी ट्रांसप्लांट जितना फेमस नहीं है और लोगों को इन्फॉर्मेशन कम है। साहब एक क्वेश्चन और आया था कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है सर। सो देखिए, ट्रांसप्लांट में जो कॉस्ट है, ये दो तरह की कॉस्ट होती है एक्चुअली, मैं बोलूंगा तो हाँ दो तरह की कॉस्ट है। एक जो कॉस्ट है वो है ऑपरेशन की खर्चा। ऑपरेशन का खर्चा होता है, आप पूरे इंडिया में जाएंगे तो अलग अलग हॉस्पिटल्स का अलग अलग का पैकेज है, तो मैं बाकी किसी अस्पताल का बता नहीं सकता, बट हम लोग का बता सकता हूँ। एटलीस्ट फोर्टीज में इसका पैकेज है अराउंड 18 लाख का। यस, आप मैं मतलब किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे इंडिया के, तो ये पैकेज करीब 15 से 30 लाख के बीच में है। तो ये कॉस्ट है, ये है ऑपरेशन का खर्चा। ऑपरेशन के बाद जो खर्चा होता है वो एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि इन लोगों को दवाई लेनी पड़ती है, इम्यून सप्रेशन लेना पड़ता है, उसका जो खर्चा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो मरीज को पता होना चाहिए। तो ये खर्चा करीब 5,000 से 7,000 रुपए का महीने का खर्चा है। तो 7,000 रुपए के करीब महीने का खर्चा है जो कि आपको लंबे समय तक लगता है, वो है दवाइयों। यस यस यस। और एक ट्रांसप्लांट खर्चा जो मैंने आपको बताया सर। यस, खास करके कौन से पेशेंट में रिजल्ट अच्छा आता है, जो अल्कोहलिक लिवर डिसीज होते हैं या जो ऑटो इम्यून होते हैं? सो ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि सबसे अच्छा रिजल्ट अल्कोहलिक में आता है लेकिन उनमें सिर्फ एक है कि वो बाद में ड्रिंक करना छोड़ दें। वो बात सही है। अल्कोहलिक लिवर ट्रांसप्लांट अगर बाद में ड्रिंक नहीं करता तो उसके बेस्ट रिजल्ट है। यस यस, बेस्ट रिजल्ट है एज कम्पेयर टू जो फैटी लीवर है या ऑटोइम्यून है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, बेस्ट रिजल्ट्स हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज के। दैट इज गुड न्यूज फॉर ऑल द अल्कोहलिक्स, बट वी आर इन द गुजरात, तो हमारे तो ऑलरेडी अल्कोहलिक्स केस बहुत कम होते हैं, पर फिर भी ऑटोइम्यून वगैरह, बीइंग अ फिजिशियन, आई एम अ फिजिशियन, तो हमारे लेवल पे हेपेटाइटिस और जो ऑटो इम्यून डिसीज है उसकी वजह से जो फीमेल्स में खास करके सिरोसिस होते हैं, वो वो बहुत केस हमने देखा है ऑटो इम्यून। यस, वो बहुत केस हम देखते हैं और उनको हम समझाते भी है। कौन से स्टेज पे सब उनको समझाना चाहिए कि आप गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट? आई थिंक जैसे उसका एक सिंपल सा है कि जैसे पेशेंट को सिरोसिस होता है, हाँ, सिरोसिस हर, जैसे मैंने आपको बताया, हर सिरोसिस के पेशेंट को ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन अगर पेशेंट को सिरोसिस होता है और सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन होती है, सिरोसिस कॉम्प्लिकेशन में आता है पेट में पानी भरना, साइटिस, ब्लीडिंग, अपर जीआई हेमरेज, किडनी पे असर आना, हेपेटोरिनल सिंड्रोम,
या अमोनिया भरना एंसेफलोपैथी, हेपेटिक एंसेफलोपैथी, किसी भी सिरोटिक को अगर ये कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाती है तो ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए. क्योंकि आप उसके बाद आप रजिस्टर कराओगे, डोनर वैल्यूएट करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, टाइम लगता है. तो एटलीस्ट इस स्टेज पे आप चालू कर दोगे तो आपका सही टाइम पे ट्रांसप्लांट हो जाएगा. यस, एक क्वेश्चन है प्रवीण भाई का, इज आस्किंग कि आप मेरा जवाब दीजिए. एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर डाइड बिकॉज ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर एंड व्हाट हैपन एट दैट टाइम टू पेशेंट के एक कंडीशन हो जाता है. करेक्ट. सो ये जो सवाल पूछा है ये इसको बोलते हैं AFLP, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी. सो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी किसी लेडीज में होता है कि जो जब प्रेग्नेंट लेडी होती हैं 32, 34 weeks, 36 weeks पे तो लीवर फेलियर में चला जाता है. तो टू बी ऑनेस्ट नोबडी नोज एग्जैक्टली क्यों ये फेलियर में जाता है, बट इट कैन गो. इसका जो ट्रीटमेंट है, इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट है, मैं बोलना चाहूंगा फर्स्ट ट्रीटमेंट है इज इमरजेंसी डिलीवरी. दैट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट. यस यस यस. काफी काफी फीमेल्स, सिर्फ अगर आप टाइम पे उनको डिलीवरी करते हो तो यू कैन सेव देम. सो इमरजेंसी सी सेक्शन, जैसे ही आपको पता चलता है कि अगर उनका INR बढ़ रहा है, एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, बिलिरुबिन बढ़ रहे हैं, तो दे शुड गो फॉर क्विक सी सेक्शन. चाहे फीटस वायबल हो चाहे ना वायबल हो, तो दे शुड गो फॉर क्विक सेक्शन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. वंस यू डिलीवर द बेबी देन यू मॉनिटर द मदर. काफी काफी टाइम में देयर लिवर विल रिकवर. इफ द लिवर इज नॉट रिकवरिंग, INR इज गोइंग अप, then they should undergo liver transplant. That is the only way we can save them. Yes. Now that's a good answer ki acute case ke andar delivery is the first choice of treatment. First choice. Or yeah, usi se aap kafi kafi ladies ko bacha sakte ho. Yes. Matlab to the point even kuch ghante ki deri can be dangerous. Dangerous. Or one more thing I want to tell, agar koi bhi gynecologist ya obstetrician ya koi bhi इस सुन रहा है तो वन थिंग आई वांट टू टेल और कन्वे द मैसेज कि अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आएगा, आप उसका ब्लड टेस्ट करोगे, आप देखोगे कि लेडी का INR है 8-9 PT INR 10, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिशियन क्या कहेंगे, दे विल फियर कि दे विल देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लीडिंग. भाई INR 10 है तो इसका मतलब ब्लीड करेगा. तो व्हाट हैपन लॉजिकली हम लोग क्या करेंगे, FFP ट्रांसफ्यूज करेंगे, कोशिश करेंगे उसका INR डाउन करने की. सो दैट इज द वन मैसेज आई वांट टू गिव. अगर एक्यूट लिवर फेलियर में INR 8 या 10 भी है तो समटाइम्स दे पेशेंट डोंट ब्लीड. यस. सो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम टू ब्रिंग द INR डाउन. Such lady should go straight to the operation theater, get the delivery done. Agar bleeding hota bhi hai, toh aap internal iliac artery bandh do. Don't, and I'm telling you, bleeding nahi hoga. INR high hai, tab bhi bleeding nahi hota inke andar. It is a very strange phenomena. So, you should not delay even one second, ki INR niche aayega, hum FFP transfuse karte hain, toh delivery karenge. Nahi. अगर फेलियर में जा रहा है, लीवर फेलियर में, दैट लेडी शुड गेट डिलीवर वेरी फास्ट. यस, नॉट ट्रू ट्रू. इट इज अ ट्रू मैसेज फॉर द ऑल द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट हु आर हियरिंग दिस शो. एक क्वेश्चन और भी था कि आपने कोविड एरा में कितने लीवर ट्रांसप्लांट किए. सो देखिए, जो कोविड एरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या DHS है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के गाइडलाइंस आए थे. पहले जैसे 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ, हाँ. तो हमारा 20 या 21 मार्च को हमने ट्रांसप्लांट किया था. उसके बाद 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया. 23 मार्च से गवर्नमेंट सेड डोंट डू ट्रांसप्लांट अंटिल अनलेस इट इज एक्यूट लिवर फेलियर. यस यस. सो अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल मई में देयर वाज कंप्लीट फ्रॉम गवर्नमेंट की डोंट डू ट्रांसप्लांट.
एंड उसके बाद वी हैव स्टार्टेड अ ट्रांसप्लांट. वी हैव डन 3 ट्रांसप्लांट इन लास्ट 1 मंथ. एक लास्ट ट्रांसप्लांट तो एक्चुअली आज ही डिस्चार्ज हुआ है. वो पेशेंट आज ही डिस्चार्ज हुआ है. हमारे हमने फोटो देखा है आपका, उसने बहुत अप्रिशिएट किया है. अप्रिशिएट किया है. और उससे पहले हमारे 2 ट्रांसप्लांट पेशेंट और डिस्चार्ज हुए. तो टोटल वी डिड 3 ट्रांसप्लांट इन लास्ट 1 मंथ. उससे पहले गवर्नमेंट हैज टोल्ड अस नॉट टू डू ट्रांसप्लांट्स. यस यस. सो कोविड एरा में डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क. तो हम लोग वी आर चूजिंग द पेशेंट्स. बाकी अगर जो पेशेंट स्टेबल है, अभी देयर आर पेशेंट्स हु नीड्स अ ट्रांसप्लांट, वी आर टेलिंग देम टू वेट. वी आर नॉट रशिंग. तो जो पेशेंट जो सिक है, जिसको अगर वेट करने में खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, हम लोग सिर्फ उसी का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं. अभी बाकियों को हम लोग बोल रहे हैं यू वेट एंड वेट फॉर दिस कोविड टू एटलीस्ट सेटल डाउन. आई नो कि कब खत्म होगा तो पता नहीं है अपने को, एटलीस्ट कम हो जाए थोड़ा सा तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसप्लांट. यस यस. सो लॉकडाउन जो गया उसमें हमने काफी डॉक्टर्स से काफी बातें की. मैंने तो लॉकडाउन के अंदर इस शो को काफी किया, ऑलमोस्ट 80-90 डॉक्टर्स के साथ बातें की. अच्छा. सब स्पेशलिस्ट आ गए मेरे शो के अंदर. कार्डियोलॉजिस्ट आए, नेफ्रोलॉजिस्ट आए, गायनेकोलॉजिस्ट आए. बहुत क्रिटिकल केयर तो आए दिन हमने बहुत शो किए, कोरोना की सारी बातें की. सबको एक एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि लॉकडाउन के दौरान मैक्सिमम टाइम मिला है अपने आप को जानने का, और सबने अपनी बातें बताई. तो डॉक्टर गौरव गुप्ता ने क्या किया लॉकडाउन में? सो सही कह रहे हैं आपको. मतलब जितना टाइम आई थिंक अपने को लॉकडाउन में मिला, इतना टाइम तो पिछले 10-15 साल में नहीं मिला खाली. सो आई थिंक आई वुड से लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड. मतलब बट फर्स्ट थिंग इज आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद माई किड्स, जो कि दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि पापा आप लेट आते हो, घर पे लेट आते हो. तो माई सन इज 7 ईयर ओल्ड. तो आई थिंक मैंने पिछले 3 महीने में जितना उसके साथ प्ले किया, आई हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम. दैट इज द वन थिंग. एंड आई हैव रेड अ लॉट. काफी आई लव रीडिंग बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन. सो काफी बुक्स पढ़ी मैंने. एक और जो मैं बुक काफी टाइम से पढ़ रहा था, गीता. तो मैं गीता पढ़ना की कोशिश काफी टाइम से कर रहा था. तो एटलीस्ट I've read at least 8 chapters of Gita. So that is one thing which I did. And I think Gita is one book जो कि मतलब जो I think आज से 5000 साल पहले भी valid थी और आज भी valid है. मतलब मेरे को valid है. इससे अच्छी book कोई लिख सकता है या लिखा है किसी ने? हाँ. तो it is a really actually eye opener for me. मतलब बहुत सारी चीजों से मतलब Gita has taught me a lot. So that is one thing I did. I spent a lot of time with my family also. काम करना पड़ा था घर में? अरे वहाँ पूछो. बर्तन धो के हाथ दुख गए मेरे. अभी समझ में आया कि हम लोग इतना बर्तन करते क्यों है. नहीं, सब डॉक्टर्स ने कन्फेस किया है कि भाई घर में कुछ ना कुछ किया है. अरे मैंने बहुत बर्तन धोए हैं. नहीं, इट्स अ टफ टाइम जो हम लोग पसार हुए. सब पूरी जनता, हर कोई लोग कि भाई लॉकडाउन की वजह से सबने अपने कि पहला एक हफ्ता तो इट वाज फन. तो हम लोग सब पूरी फैमिली, मेरा बेटा भी, मैं भी, मेरी वाइफ भी, हम लोग सब मिलके सब काम कर रहे हैं. तो बड़ा मजा आ रहा है. फिर एक हफ्ते के बाद पता चला ये तो रोज खत्म ही नहीं हो रहा काम. तब समझ में आया तो फन नहीं है, ये हेडेक है. ये फन नहीं है. अब काम शुरू करो. नहीं, ट्रू. काफी डॉक्टर्स थे मेरे से बातें की. पद्मश्री सुधीर शाह साहब आए थे, न्यूरो फिजिशियन, इज वन ऑफ द बेस्ट न्यूरो फिजिशियन ऑफ गुजरात एंड लीडिंग इन इंडिया इवन. तो उन्होंने भी कन्फेस किया था कि नेहल हमने दूध गर्म किया है. मतलब काफी चीजें की. डॉक्टर बंसी साबू इज RSSPI प्रेसिडेंट एंड इज लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट. उन्होंने भी गीता के बारे में बहुत अच्छी बातें की. उन्होंने भी गीता पढ़ी. मैंने भी गीता को करीब से पढ़ा. और कृष्ण भगवान को तो मैंने बहुत करीब से जाना है ऐसा मैं मानता हूँ.
तो ये सब चीजें है कि जो अपने को करनी चाहिए, जो कोरोना के दौरान हम सब कर पाए। मतलब आपने मैंने सब, हाँ कई सारी बुक्स थी जो मैं काफी टाइम से चाह रहा था पढ़ना। आई रेड 3-4 बुक्स वो, मतलब इट वाज अ यस गुड गुड ब्रेक। यस आपने, आपको जब जय ने बताया डीएनए स्टॉक्स हो और आपने एक दो लिंक देखी, आपको कैसा लगा हमारा हाँ, तो टॉक्स? मैंने भाई पहले मैंने इसे इंस्टाग्राम, तो भी एक्चुअली आपकी वजह से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बन आज आज गया। आपका डेब्यू हुआ है इंस्टाग्राम डेब्यू पे। हुआ है तो मेरा, मुझे काफी लोगों ने बोला इंस्टाग्राम पे नहीं हो सर आप इंस्टाग्राम पे, तो मैं एक्चुअली सोशल मीडिया कम ही यूज करता हूँ, फेसबुक भी बहुत रेयरली यूज करता हूँ। तो यस मैंने इंस्टाग्राम पे लिंक बनाया और आई मतलब आई सॉ एटलीस्ट 3 इंटरव्यूज ऑफ यू, मतलब आप मुझे लगता है कि एकदम डॉक्टर को उसका बाहर निकाल लेते हो, मतलब यू बिकम मेक हिम फेमिलियर, तो जो झिझक होती है वो खत्म कर देते हो आप ऐसे क्वेश्चन करके। वेरी नाइस। डीएनएस मैंने देखा तो अभी मैं आपको फॉलो करूंगा अभी डीएनएस के शोज। इट्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अ वेरी सर। गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, वेरी नाइस। और मतलब एक मैं कहूंगा कि एक वेरी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हंसते हंसते बात करते करते और हम लोग एक इंफॉर्मेटिव बात भी कर पाते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड यस शो एक्चुअली, इट्स वेरी नाइस। एंड एंड ट्रू इंफॉर्मेटिव थ्रू लाइक यू लीडिंग डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। मैंने ट्राई किया है कि भाई ट्रू इंफॉर्मेशन मिले, बिकॉज यस आजकल गूगल बाबा बहुत है, आजकल व्हाट्सएप बाप यूनिवर्सिटी है, तो रे अपने को बाप, उससे बाहर कान उनसे निकलना कान पकड़ना है। और काफी काफी सही में बीइंग अ फिजिशियन, मैं तो लास्ट ऑलमोस्ट 17-18 ईयर से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेकिन काफी फंडे मेरे भी क्लियर हुए हैं इन सब रिनाउंड डॉक्टर से बात करके। जैसे है। आपने आज बहुत अच्छा बताया कि लीवर ट्रांसप्लांट में सबसे कम मेडिसिन देते हैं। मेरे खुद के फंडे ऐसे थे कि लीवर किडनी ट्रांसप्लांट में कम जाती होगी, लेकिन दिस इज ट्रू। और ये सब चीजें लेमैन को तो मालूम ही नहीं होती, और लेमैन इन चीजों से दूर रहता है कि ये करने से वो हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा। पर आजकल जो लीवर ट्रांसप्लांट है वो आदमी की जिंदगी बचाता है, ये सही बात है, इट ये इज ट्रू। क्योंकि डॉक्टर साहब सीधे, क्योंकि साइंस इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है, तो आप जो करते हो, आप जो डेली करते यस हो, आप उसके अंदर परफेक्ट हो। यस यस मैं यस जो डेली करता हूं मुझे उसके बारे में सब पता है, लेकिन उसको छोड़ यस के बॉडी के अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स है कि डेली चीजें फंडे चेंज हो रहे हैं। यस तो यस इवन मतलब वही मैं बात करता हूँ किसी अपने इंटेंसिविस्ट से, फिजिशियन से, तो पूरा कॉन्सेप्ट ही जो हमने पढ़ा था 15-20 साल पहले और अभी सब चेंज हो जाता हाँ है। हाँ अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है, लेकिन उसको हाँ छोड़ के इट हैज चेंज्ड अ लॉट। यस यस तो दिस अ यस गुड मीडियम की वेयर वी कैन एक्सचेंज द थॉट्स। या ट्रू ट्रू। सब न्यू नॉर्मल एरा शुरू हुआ है, अब काम भी करना है, कोरोना से भी बचना है। बचना है। और आपके तो जो पेशेंट है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, हिपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, जो लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होते हैं, आपको उनके लिए या फिर रूटीन जो जनता है उनके लिए क्या टिप्स है आपकी? आई थिंक सर जैसे मैं बोलूंगा कि कुछ देर इज नथिंग स्पेशल, अगर आप बेसिक्स अपने फॉलो करेंगे, यस मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस का यूज करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई लंबी चौड़ी गाइडलाइन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यस बेसिक्स और कॉमन सेंस यूज करना है। आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, अपनी इम्यूनिटी के लिए आप 10 गोली लोगे उससे सबसे बढ़िया है आप हल्दा फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, प्रॉपर डाइट लें, फ्रूट्स प्रॉपर खाएं, दैट इज द बेस्ट इम्यून बूस्टर मुझे लगता है। यस यस बैलेंस डाइट लें, यू टेक योर मेडिकेशन ऑन टाइम। आई एम टेलिंग यू आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट इन लास्ट 2-3 मंथ्स कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है लेकिन दे आर सो अफ्रेड ऑफ दिस कोविड, दे आर अफ्रेड टू गो टू डॉक्टर्स और दे आर हार्मिंग देमसेल्व्स। इस सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को मैंने एक 68 ईयर्स ओल्ड लेडी का ऑपरेट किया जिसको मेलिग्नेंसी गॉल बैडर, वो 3 महीने से उसको लेके घूम रही है। उससे मैंने पूछा, उसको दर्द उठता है, घर में डॉक्टर है, डॉक्टर बोल रहा है, उसका रिलेटिव डॉक्टर है कि आप जाके अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन करो,
वो कह रही है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मुझे कोरोना हो जाएगा। कोरोना का इतना डर हो गया है कि वो 3 महीने से उसको लेके घूम रही है, डॉक्टर के पास नहीं जा रही है। तो ये सब चीजें नहीं करनी है अपने को। ये दिस इज ए न्यू नॉर्मल एज यू सेड, वी नीड टू टेक प्रिकॉशन बट वी नीड टू कीप ऑन विद अवर लाइफ। दवाई टाइम पे लेनी है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ठीक से दिखानी है, अगर आपका शुगर बढ़ रही है तो डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो डॉक्टर के पास जाके चेक कराना है। यू कैन नॉट मिस योर अपॉइंटमेंट्स, यू ईट हेल्दी, वेयर मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, दैट्स ऑल। आई थिंक इसके ज्यादा कुछ है नहीं है। मैं बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गाइडलाइंस दी हैं, बट मुझे लगता है कि अगर हम यही फॉलो करें तो वी कैन होप फॉर ए हेल्दी सक्सेसफुल अवर हेल्थ। दैट इज व्हाट आई थिंक। Yes, no, you are right, sir. कि it's a true follow the guidelines. अपने को कुछ और नहीं करना है, और मैं मेरे शो में कहता ही आया हूं कि follow SMS, sanitizer, mask, mask पहनना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है। मैं बोलता आया हूं कि mask ऐसा ही होना चाहिए। लोग जिस तरह पहनते हैं वो मंगलसूत्र पहनते हैं। काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है, इस तरह तो मास्क पहनना ही नहीं है। मास्क प्रॉपर होना चाहिए जिसमें मुंह और नाक दोनों ढका हुआ होना चाहिए, और जो कंप्लीट फेस कवर होना चाहिए। आस्क फॉर मास्क, सामने वाले ने अगर मास्क नहीं पहना है तो उसको बोलिए कि मास्क पहन के ही बात करें। दो लोग बात करते हो तब मास्क पहनना जरूरी है, जरूरी है। एंड थर्ड एस इज सोशल डिस्टेंसिंग। कहीं बाहर जाना नहीं है, लेकिन कहीं जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करना है। अगर SMS को फॉलो करेंगे तो कोरोना की चेन जरूर टूटेगी। टूटेगी कोरोना, कहीं टिका नहीं है तो इंडिया में कैसे टिकेगा। आज समय पण जतो रेवानो, अमे जे गुजराती में कहिए छे ए प्रमाणे ए भी चला जाएगा। आज न्यूयॉर्क नॉर्मल हो गया, आज बीजिंग अपना वुहान नॉर्मल हो गया, पेरिस नॉर्मल हो गया, तो मुंबई और अहमदाबाद भी नॉर्मल हो जाएंगे, 100% नॉर्मल हो जाएंगे। सो फॉलो SMS एंड बी केयरफुल। जिन लोगों ने ये टॉक शो पूरा नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग 5 मिनट के बाद IGTV नेहल साधु पे टॉक पूरा देख सकते हैं, और कल हम यूट्यूब पे भी लिंक रखेंगे। यू कैन सब्सक्राइब DNS टॉक यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी ऑल इंटरव्यूज। मेरे जो लॉकडाउन में इंटरव्यू है, आजकल जो इंटरव्यू चल रहे हैं, और डॉक्टर गौरव गुप्ता के साथ जो इंटरव्यू है, वो भी आप कल YouTube पे देख पाएंगे। डॉक्टर गुप्ता बहुत मजा आया सही में आज। आपके लिए तो वर्ल्ड हिपेटाइटिस डे मतलब इट्स जस्ट लाइक फेस्टिवल बिकॉज यू आर अ लिवर सर्जन। पर आज दिल खोल के बातें की हमने, ऑलमोस्ट 50 मिनट की बातें की है। सो इट्स रियली फन। Really, really thankful आपको मुझे इस शो पे इनवाइट करने के लिए। And my really, I'm thankful to you. Yeah, thank you, sir. Thank you very much for joining me. And thanks all the viewer for joining me. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, sir.